हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का क्लास थ्री के लिए। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आया है मिड टर्म में, और टोटल मार्क्स यहाँ पे देखिए 80 है और टाइम दिया हुआ है 3 2.5 आवर्स। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर का क्या आंसर होना चाहिए। पहला जो यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन ए में देखिए कहता है 2 × 5। यहाँ पे 2 × 5 सेक्शन ए में दिया हुआ है, तो पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए हमारा क्वेश्चन आ जाता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो कितने हैं? 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाता है। तो 5 क्वेश्चन को अगर हम टिक कर लेते हैं सही से तो हमारा यहाँ कितना मार्क्स हो जाएगा? 10 मार्क्स हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, ये हमारे पास 4000 + 200 + 10 + 0, ये है। अब इसको हमको यहाँ पे क्या कर देना है, बताना है कि क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो? 4210। ये हमारा ऑप्शन कहाँ पर है आप देखेंगे, ऑप्शन आपको बी पे दिखेगा, 4210। ये जो आप जीरो देख रहे हैं ना, जीरो का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो है, सॉरी राइट साइड में है ना, 10 है। तो चलेंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कैसे सॉल्व कर लिए? तो यहाँ पे 4000, ये हमने लिया 200, ये हमने लिया 10 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये 4210। सिंपली हमने कॉलम मेथड यूज़ किया है, कॉलम मेथड से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 79 + 0। देखिए जीरो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। जीरो को ऐड करें या सबट्रैक्ट करें कोई चेंज नहीं होता है। तो ए नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर यहाँ पे 10 में क्या माइनस करा, ठीक है, वो हमारा सेम होगा 20 - 30। तो 20 - 30 क्या आ रहा है अपना? 7 आ रहा है। तो हम 10 में क्या माइनस करेंगे कि 7 मिलेगा? तो 10 में हम यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तभी हमको 7 मिलेगा, राइट, ओके। 10 - 3 कर देंगे तो 7 मिलेगा, और 20 - 13 करेंगे तो भी हमको 7 मिलेगा। अगला है फोर्थ नंबर, डिविजन इज रिपीटेड। डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ करता है, ओके। तो आप यहाँ पे बी नंबर ले लीजिए। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है रिपीटेड एडिशन हुआ करता है। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ, आप देखेंगे देयर आर मिनट्स इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? देखिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 को क्या करेंगे हम लोग? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 180। तो 180 हमारा सी नंबर पे है, तो हमारा 180 मिनट्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है? 2 × 10 दैट इज 20 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के भी यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन आ जा रहे हैं। पहला हमको यहाँ पे कहा गया है फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है, या तो फिर राइट दी करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको नोट कर देना है। तो द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर इज, 4-डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 999, ये आप जानते हैं, 4 टाइम्स आपको लिखना होगा, 99999 4 टाइम्स लिखना होगा। अगला है राइट द नंबर नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे कौन सा डिजिट अंडरलाइन किया हुआ है? 3। 3 जो डिजिट अंडरलाइन किया हुआ है इसको हमको क्या लिखना है ना, नंबर नेम लिखना है एंड प्लेस वैल्यू। क्या लिखना है? प्लेस वैल्यू। तो नंबर नेम क्या हो गया? नंबर नेम हो गया 3। यहाँ पे नंबर जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका नाम क्या है? 3 है, नंबर नेम 3 हो गया। प्लेस वैल्यू क्या है? तो 1s, 10s, 100। प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 नोट करिए। नेक्स्ट 8 नंबर यहाँ पे देखिए, 158 दिया हुआ है, हमको यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है। तो इधर क्या है? 2329 + 158। आप देखिए 158 आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड भी 158 है। यहाँ पे क्या ऐड किया गया है? ऐड किया गया है 329। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है यहाँ पे? 329 ऐड कर देना है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखिए गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू, जीरो के इक्वल लिख दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए था हमारा माइनस होना चाहिए था, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर लीजिए? माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस करिए, ठीक है, ये ठीक है, खाली इस जगह पे माइनस कर लीजिए, ओके। तो
कितना हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 960 माइनस जीरो इक्वल टू 960, ठीक है। और आगे हमारे पास आता है 5 × 40, तो 5 × 40 हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 322। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा, तो देखिए जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे जीरो नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या नोट करेंगे, जीरो नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड करना है, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 का टेबल में 81 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना होगा। 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। आगे है विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो आप सब जानते हैं फरवरी इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। फरवरी आंसर होता है, सबसे छोटा मंथ फरवरी हुआ करता है, 28 डेज, ओके, और लीप ईयर में 29 डेज। देयर आर डैश मिनट्स इन वन आवर, कितने मिनट्स, तो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में। सेक्शन सी की बात करता हूँ, सेक्शन सी में देखेंगे 4 × 5, 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का सारा क्वेश्चन है, राइट। तो 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से 4 मार्क्स मिल जाएगा। सॉल्व एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया वैसा करना है। राइट द नंबर, राइट द नंबर नेम्स, ठीक है, नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग, इसका नेम लिखना है दोनों ही नंबर का, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 6000, पहला हो गया 2508 और दूसरा हो गया हमारा 6066। नेक्स्ट अरेंज करना है, तो अरेंज करके हमको कॉलम में अरेंज करना है और फिर ऐड कर देना है, तो अरेंज करने के बाद हमको ऐड करना है, राइट, किस में, कॉलम में अरेंज करना है, तो आइए हम अरेंज कर देते हैं। चलिए अरेंज हो गया, हमने अरेंज कर लिया, इसको ऐड कर देना है, तो पहले यूनिट प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उसको ऐड करना पड़ेगा, 5 + 9 = 14 + 8 = 22 हो गया, 6 + 1 = 7, 7 + 2 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, फिर आता है 7 + 3 = 10 + 2 = 12, 12 के लिए हम 2 ही लिखेंगे, ओके, और 1 हमारा अभी हाथ में रह गया, तो 6 + 1 = 7, 7 + हमारा 1 कैरी हुआ था वो कितना हो गया, 8, तो जो कैरी हुआ उसको मैं यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 8, तो इस तरह से आंसर हमारा आ गया। चलिए दूसरा हम चेक करते हैं, नेक्स्ट बी नंबर को हमने अरेंज कर लिया है, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं 2 + 3 + 3 = 6 + 2 = 8 हमारा हो गया यहाँ पर, और 6 + 4 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 3 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो गया, 11, 11 + 5 = 16 + 1 = 17, 17 के लिए हम 7 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो रहा है, यहाँ पे नोट कर लिए, 3 × 5 = 6 हो गया हमारा, तो इस तरह से ए भी हमारा बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है सब्ट्रैक्ट एंड चेक और आंसर, तो हमको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और आंसर भी चेक कर लेना है, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉलम मेथड में, ठीक है, पहले बड़ा नंबर को नोट कर लेते हैं, तो 6 - 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा माइनस होगा नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, तो ये हमारा 12 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, 12 - 7 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ये 1 हमारा तो होगा, यहाँ पे हम फिर से बोरो करेंगे, 4 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 - 6 करेंगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब चेक करना है हमको, क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, हमारा जो आंसर आया है, जो हमारा आंसर आया है, आंसर हमारा आया है 3554, इसमें हम जिसको सब्ट्रैक्ट किए थे उसको ऐड कर देंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट किए थे उसको हम ऐड कर देंगे, देखिए हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 1 हमारा कैरी हो गया था, फिर से 2 हुआ, 1 हमारा कैरी हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, तो देखिए हमारा सेम नंबर आ गया ना, इसलिए हमारा ये चेक हो जाता है। मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, ओके, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करना है 192 और ये 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 2 कितना हो गया, 16, 1 हमारा कैरी हो जाता है, 9 × 7 = कितना हो गया, 9 × 8 = हमारा हो गया 72, ठीक है,
72 और 1 हमारा यहाँ पे कैरी बस 73 हो गया, फिर 7 बच गया, 8 प्लस 7 हमारा हो गया 15। दूसरा है हमारे पास 243, इसको मल्टीप्लाई करना है 2828 से, तो आइए हम पहले 8 से कर लेते हैं। तो 8 3 24 हमारा 2 कैरी हो गया है, 8 4 32 प्लस 2 हमारा 14 34 हो गया, 3 हमारा अब कैरी हो गया, 8 16 16 और 3 हमारा कैरी हुआ था, कितना हो गया 19। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को क्रॉस लगा देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 8 हो जाएगा और ये हमारा 4। अब फाइनली क्या करना है, ऐड कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा ये 4 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया हमारा, 9 9 18 हो गया, 5 4 1 6 हो गया, इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड एंड फाइंड दी कोशियंट एंड रिमाइंडर, कोशियंट और रिमाइंडर निकालना है। तो 27 को हमको डिवाइड करना है कैसे, 6 से, तो 6 4 जा कितना हो गया 24, माइनस कर लीजिए क्या आ गया 3। तो अभी हमारा कोशियंट कितना आ गया, कोशियंट आ गया 4 और रिमाइंडर हमारा हो गया 3, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे 75 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 75 को हमने 8 से डिवाइड कर लिया, तो 8 9 जा 72, माइनस किए क्या बच गया हमारा 3। तो यहाँ पे कोशियंट क्या आ गया 9 और रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो ये भी हमारा डिवाइड हो गया। आगे हमारे पास आता है सेक्शन डी, क्या करना है हमको, सॉल्व करना है, क्या आ गया, सॉल्व इट, रीराइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटा नंबर से बड़ा नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हमको चेक करना पड़ेगा, सबसे छोटा यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, सबसे छोटा हमारा ए हो गया, 1 नंबर डाल दिए, और इसके बाद हमारा ये, उसके बाद ये होगा, फिर से हम थर्ड नंबर पे ये लेंगे, फोर्थ नंबर पे ये लेंगे और फिफ्थ नंबर पे ये ले लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बी नंबर पे सबसे छोटा हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सबसे छोटा नंबर, राइट। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ए आ जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा ए हो गया, फोर्थ पे ए और फाइव पे यहाँ पर हमारा ए हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है इसकी हम बात करते हैं, देयर आर 2978 मैन, 2596 वीमेन, 3102 चिल्ड्रेन इन ए टाउन, वाट इज द टोटल पॉपुलेशन, सभी को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐड करने से, ऐड करेंगे हम कॉलम मेथड से, और ऐड करने से हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8676 इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसकी हम बात करते हैं, अ पोल्ट्री फार्म हैड 4721 हैंस, ठीक है, 2917 हैंस, ओके, वर सोल्ड आउट, हाउ मेनी हैंस लेफ्ट इन द पोल्ट्री, हमको यहाँ पे सबटेट कर देना पड़ेगा, हमारा आंसर बन जाएगा। आगे देखिए 24th नंबर क्वेश्चन हमारा है, 24th नंबर में कहा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स इफ ईच चेयर कॉस्ट ₹290, तो 219 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है, ये आंसर आता है 5510, राइट। अब आगे हमको यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है, कहता है कन्वर्ट इनटू मिनट्स, हमको मिनट्स में कन्वर्ट करने हैं, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 1 आवर, ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 मिनट्स हो गए, और प्लस में पहले से यहाँ पे 5 मिनट पहले से दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 मिनट्स हमारा हो जाएगा। दूसरा है 4 आवर्स, तो 4 × 60 करेंगे, इतना हमारा मिनट आ जाएगा, फिर प्लस हम क्या करेंगे, 40 मिनट्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो 4 × 6 = कितना हो गया, 24, यहाँ पे 240 प्लस 40 कितना हो गया, 280 मिनट्स हो गया हमारा, राइट। आगे है राहुल, हमारा कहता है राहुल कैन टाइप 32 पेजेस इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में 32 पेज टाइप कर सकता है, हाउ मेनी पेजेस ही कैन टाइप इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना टाइप कर सकता है, हमको सीधा डिवाइड कर देना पड़ेगा, ओके। तो 32 अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 4 पेजेस आंसर।
तो ये हमारा यहाँ पे सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और सब इजी ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।